Hello, myself Professor Pankaj Gajera. Today I am going to start a mechanical engineering subject, that is material science and metallurgy, right? And last lecture we will discuss on phase element alloy and Gibbs phase rule. Okay, तो हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि alloy क्या है, phase क्या है, गिब्स रूल क्या है, फेज में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाता है, राइट। तो इन सब के बारे में हमने अगले लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम आगे डिस्कशन करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम क्या है उसके बारे में। तो एलोई में हमने देखा कि एलोई जो है, तो एलोई में दो एलिमेंट और दो से ज़्यादा भी एलिमेंट होते हैं। तो एलोई में जनरली क्या होता है, एक पेरेंट एलिमेंट होता है और एक एलोय होता है। जो पेरेंट होता है उसकी जो क्वांटिटी है या उसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, और जो एलोय है उसका जो क्वांटिटी है और उसका जो परसेंटेज है वो क्या होता है, कम होता है। तो वो दोनों मिलकर क्या बनता है, एलोय बनता है। और उसके लिए हमने एग्जांपल भी देखा था कि अगर ब्रास है, जो ब्रास है तो ब्रास में क्या होगा, तो ब्रास में हमें मालूम है कि तो कॉपर रहेगा, ब्रास में तो कॉपर रहेगा, और दूसरा क्या होगा, जिंक होगा, कॉपर एंड जिंक ब्रास में। तो कॉपर है वो क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, और जिंक है वो क्या है, एलॉय है। तो ये कॉपर और ब्रास जो दोनों का सॉलिडिफिकेशन होगा, दोनों सॉल्यूशन मिक्स होगा, तो जो एलॉय बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। इसी तरह ब्रोंज है, तो कहीं सारे एलॉय है। जो एलॉय में क्या होता है कि जो एक पेरेंट मटेरियल है उसमें सबसे जो और जो एंटर होता है उसके कारण वो एलोय बनता है। और उसमें दो तरह का हमने देखा कि इंटरटिशियल सॉलिड सॉल्यूशन से मिलता है एलोय, या तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन से हमें एलोय है वो एलोय मिलते हैं। जो एटम है, एटम के अरेंजमेंट है, जो कॉपर है उसके एटम के अरेंजमेंट में, जो जिंक के एटम के एटम्स की अरेंजमेंट जो सेट होती है, तो उसके आधार पर इंटरटिशियल या तो सब्स्टिट्यूशनल एलोय सॉल्यूशन हमें मिलता है, राइट। और मिलने के बाद ये जो है, उसमें मिक्स होने के बाद ये जो है फिजिकली सेम प्रॉपर्टी गेन कर ले और पूरा होमोजीनियस हो जाए, तो हमें उसे क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, फेज कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल डिस्टिंक्ट एंड केमिकली होमोजीनियस पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट इज पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो जैसे हमने बात की के जो है केमिकल होमोजीनियस पोर्शन होगा, दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स होकर प्रॉपर प्रॉपर्टी देंगे, राइट। और जो उसकी फिजिकल है वो फिजिकल भी सेट हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, राइट। तो उसे हम फेज के रूप में डिफाइन कर दें। और देखते हैं वाटर इन लिक्विड, जो लिक्विड है, पानी है, तो एक फेज है। और उसका अगर हम पानी को हम उबालें और उसका जो वाटर है, वाटर का हम कन्वर्ट करते हैं वेपर, तो जो वेपर है वो भी एक सिंगल फेज है, राइट। तो वो क्या होगा, एक फेज होगा। वाटर है एक सेपरेट सिंगल फेज है, और वेपर है वो सिंगल फेज है। और दूसरा हम देखते हैं, अगर वो पानी का ग्लास भरा हुआ है, राइट, पानी का ग्लास भरा हुआ है, और उसमें हम आइस को रख देते हैं, राइट, तो आइस क्या होगा, फ्लोटिंग होगा, हमें मालूम है। तो आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ टू फेज। तो इसमें क्या होगा, टू फेज होगा, राइट। एक लिक्विड है, वाटर है, और दूसरा है आइस जो सॉलिड है, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, टू फेज कहते हैं। तो जो आइस ऑफ फ्लोटिंग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टू फेज कहते हैं, राइट। तो ये फेज जो है, फेज में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके बारे में गिब्स फेज रूल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमें मटेरियल साइंस में गिब्स फेज रूल का यूज़ जनरली होता है, राइट। तो गिब्स फेज रूल के बारे में देखते हैं। तो गिब्स फेज रूल क्या कहता है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, ये हमने अगले लेक्चर में देखा लेकिन इम्पोर्टेंट है तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है। तो कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है, राइट, एक या दो कंपोनेंट हो गए, सो हमने जैसे देखा, तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कितने हैं, माइनस क्या करेंगे कि नंबर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कितने हैं, फेज को इक्विलिब्रियम रखने के लिए नंबर कितने, प्लस टू। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में हम कितने कंपोनेंट है, वाटर, वेपर और ये कॉपर, जिंक, कितने कंपोनेंट है वो रखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कितने हैं,
और उसके बाद प्लस टू करेंगे जो वेरिएबल है, एक्सटर्नल वेरिएबल प्रेशर और टेम्परेचर जो है एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसे हम टू फिक्स लेते हैं क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर है। तो इसके आधार पर हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा गिब्स वेज रूल के आधार पर। और अगर हम मटेरियल साइंस की यहाँ पर बात करते हैं तो मटेरियल साइंस में उसका उसमें प्रेशर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम जो सॉलिडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो मटेरियल है वो मटेरियल पहले हम हीट करके लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड में से वो जैसे जैसे सॉलिड हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर फेज चेंज होता जाएगा, राइट। तो जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है पर प्रेशर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए हम सिर्फ मेटलर्जिकल सिस्टम में प्रेशर की इफेक्ट है वो हम निग्लिजिबल करते हैं। तो सिर्फ क्या हमें कंसिडर करने का होता है, टेम्परेचर ही सिर्फ। उसीलिए गिब्स वेज रूल सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। तो इस इक्वेशन से हम जो हमारा सॉलिडिफिकेशन होता है एलोय का, उसमें हम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यही गिब्स वेज रूल है वो इंडिकेशन देता है मेटलर्जी में और मटेरियल साइंस में। अब बात करते हैं फेज डायग्राम की, राइट। तो हमें मालूम है वेरी इंपॉर्टेंट जो फेज डायग्राम है वाटर का, उसको हमें मालूम है, राइट। तो फेज डायग्राम हम देख लेते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम का, पहले कौन सा देख लेते हैं, वन कंपोनेंट सिस्टम का देख लेते हैं। यहाँ पर वन कंपोनेंट सिस्टम का दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वन कंपोनेंट, द सिंपल सिंपलेस्ट फेज डायग्राम इन वाटर विच इज़ वन कंपोनेंट सिस्टम, राइट। तो वाटर है वो एक ही कंपोनेंट पानी है, उसकी हम अगर बात करते हैं तो पानी का होगा वेपर भी होगा, आइस भी होगा। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, जो डायग्राम दिया गया है वो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम दिया गया है। मीन्स के जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसमें क्या डिफरेंस होगा वो यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो हमें मालूम है कि जो ट्रिपल पॉइंट है, कि जो तीनों फेज है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तीनों फेज मीन्स के वाटर, आइस और वेपर तीनों का जहाँ पर अस्तित्व है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जो पीटी डायग्राम में यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट है तो उसमें वहाँ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर है 0.006 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उसके अलावा अगर हम कोई भी लाइन पिकअप कर लें, राइट, तो लाइन पर क्या होगा कि टू फेज है वो, कोई भी यहाँ पर ब्लू लाइन है उसमें हम देखें तो वाटर और आइस साइड की लाइन देखते हैं तो वहाँ पर वाटर और आइस होगा, ओके। तो यहाँ पर जो ब्लू लाइन दी गई है तो वहाँ पर क्या होगा, दो फेज है और यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट है तो तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं वो दिया गया है, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर टेम्परेचर और पी टी डायग्राम। टू फेज एग्जिस्ट एलोंग ईच ऑफ द थ्री फेज बाउंड्री। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है तो बाउंड्री पर क्या होगा, दो फेज है, दो फेज अस्तित्व में रहेंगे, राइट। और जो तीनों फेज है वो कहाँ पर, तो कि टेम्परेचर और प्रेशर है जो दिया गया है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 0.006 एटमोस्फेरिक प्रेशर में ट्रिपल पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट रहेगा, राइट। तो ये वाटर का फेज और फेज डायग्राम है, उसे आप जान सकते हैं कि फेज है एक फेज से दूसरा फेज वाटर का, आइस वाटर से क्या होगा तो कि वेपर में कन्वर्ट होगा, और वाटर का दूसरा फेज कौन सा होगा, आइस होगा, राइट। तो यहाँ पर जो फेज है वो फेज तीनों दिए गए हैं, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं फेज डायग्राम मटेरियल में, तो जो मटेरियल है उसमें बात करते हैं कॉपर एंड निकल इक्विलिब्रियम फेज डायग्राम, राइट। तो कॉपर और निकल की हम बात करते हैं यहाँ पर, राइट। और उसके लिए यहाँ पर हमें फेज डायग्राम और डायग्राम भी दिया गया, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, और दोनों जो ये लाइन है तो उसको भी क्या कहते हैं वो उसका भी हम डिस्कशन करते हैं, राइट। बाइनरी फेज डायग्राम, बाइनरी मीन्स के जो दो एलिमेंट है वो कंबाइन होकर जो फेज डायग्राम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फेज डायग्राम, राइट। बाइनरी फेज इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम, राइट। तो मैंने जैसे कहा बाइनरी फेज मीन्स के दो कंपोनेंट कॉपर और निकल की है सिस्टम है, उसलिए उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फेज टू कंपोनेंट सिस्टम। बाइनरी फेज डायग्राम आर मोस्ट कॉमन यूज इन एलोइंग डिजाइन। तो हम जो भी एलोय बनाते हैं, अभी हमने बात की थी ना ब्रास की, तो ब्रास जो एलोय है उसमें कॉपर और
जिंक होगा, ब्रोंज है तो उसमें क्या होगा, कॉपर एंड टीन होगा, राइट। तो ये जो दो कंपोनेंट सिस्टम का जो एलॉय है, तो वो एलॉय में बाइनरी फेज डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाइनरी फेज डायग्राम ही दिखाएगा कि जो एलॉय बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, कैसी उसकी फिजिकल लुक, फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी, कैसा उसका लुक रहेगा और कैसी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी रहेगी, राइट। जो हमें एलॉय मैन्युफैक्चरिंग या बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एलॉय के लिए बाइनरी फेज डायग्राम, ओके। तो यहाँ पर बाइनरी फेज डायग्राम दिया गया है, राइट। द सिंपलेस्ट बाइनरी सिस्टम इज द कॉपर निकल विच एग्जिबिट्स कंप्लीट सोल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। तो जो उसका कंप्लीट सोल्युबिलिटी है, एक दूसरे में मिक्स होने की बात है, तो वो लिक्विड और सॉलिड में हम करते हैं। तो हमें मालूम है यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, राइट, और यहाँ पर कॉपर और निकल का परसेंटेज दिया गया है, इस साइड निकल का है जैसे जैसे, और यहाँ पर कॉपर है, जिस तरह अगर बढ़ेंगे उसके निकल उसमें ऐड होगा, क्योंकि कॉपर है वो क्या है, पेरेंट मटेरियल है, उसमें ऐड क्या करते हैं हम, निकल है वो निकल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है 450 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर से यहाँ के जो ऊपर की लाइन है उसे लिक्विड यहाँ पर होगा, राइट। तो उसे लिक्विडस लाइन यहाँ इसको बोलते हैं। उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर जो है और टेम्परेचर है 1085 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ की लाइन से जो नीचे है वहाँ पर क्या होगा, जो उसका फेज होगा वो सॉलिड फेज होगा, तो इसे सॉलिडस लाइन कहते हैं, राइट। तो इसे सॉलिडस लाइन कहते हैं, इसे लिक्विडस लाइन कहते हैं, राइट। तो ये बाइनरी फेज डायग्राम है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड रहेगा, यहाँ पर सॉलिड रहेगा, और यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड, अल्फा मीन्स सॉलिड, दोनों फेज है वो फेज एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो ये डायग्राम दिया गया है। जैसे जैसे हम निकल का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो उसी तरह उसका क्या है, टेम्परेचर रेंज बढ़ेगा लिक्विडस की और सॉलिडस की, ओके। तो अब देख लेते हैं बाइनरी फेज डायग्राम को, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। द लाइन अबोव विच द एलो इज लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विडस लाइन, राइट। तो जो हमने डायग्राम देखा टेम्परेचर वर्सेस निकल के परसेंटेज का जो डायग्राम देखा, तो उसमें जो था ये जो लाइन है, राइट, जहाँ पर प्योर लिक्विड है, तो इसे क्या कहते हैं लाइन को, लिक्विडस लाइन कहते हैं। एट टेम्परेचर जस्ट बिलो दिस लाइन क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन स्टार्ट फॉर्मिंग, और इस लाइन के नीचे से जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो फॉर्म होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, द लाइन बिलो विच सॉलिडिफिकेशन कंप्लीटेड इज कॉल्ड सॉलिडस लाइन, राइट। हैंस ओनली सॉलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर बिलो सॉलिड लाइन। तो ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो लिक्विड लाइन है और नीचे की जो सॉलिड लाइन है, उसके नीचे कोई भी जगह पर क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन ही फॉर्म होगा, राइट, और सॉलिड सॉल्यूशन ही हमें मिलेगा, ओके, और इसे सॉलिडस लाइन हम कहेंगे, राइट। तो ये डायग्राम में दिया गया, और इन दोनों के बीच क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड होगा, राइट। वही बात की है कि द इंटरमीडिएट रीजन बिटवीन लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन इज द टू फेज रीजन वेर लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट। तो दोनों के बीच में क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों एग्जिस्ट करेंगे, राइट। उसके बाद इट कैन बी नोटेड दैट द टू मेटल आर सोल्यूबल इन ईच अदर इन द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, दिस काइंड ऑफ द सिस्टम नोन एज आइसोमोरस सिस्टम, राइट। तो जो ऐसी सिस्टम है कि जो दोनों रेंज, दोनों है लिक्विड और सॉलिड, दोनों एक बीजा में सोल्यूबल हो जाए, मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइसोमोरस सिस्टम कहते हैं, ओके। ये बाइनरी फेज डायग्राम का बेसिक जो था वो हमने समझा है। अब हम आगे जो टर्म है वो समझते हैं बाइनरी में, द टाई लाइन, राइट, द टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ फेज इन टू फेज रीजन इज नॉट सेम, राइट। तो जो फेज के रीजन है, यहाँ पर एक फेज है दूसरा पे, तो उसमें क्या होगा कि जो ये रीजन है तो दोनों में जो परसेंटेज है, राइट, जो कंपोजिशन है निकल के और कॉपर के, वो सेम नहीं रहेंगे, राइट। द कंपोजिशन ऑफ फेज इन द टू फेज रीजन इज नॉट सेम, यहाँ पर सेम लाइन पर ये फेज
पर अगर देखिए तो कॉपर और निकल का जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है, यहाँ भी कुछ अलग परसेंटेज होगा और यहाँ भी कुछ अलग परसेंटेज होगा। कहाँ कौन सा कितना परसेंटेज कहाँ होगा वो जानने के लिए द टाई लाइन इज इम्पोर्टेंट होती है। तो टाई लाइन टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल फेज इन अ टू फेज रीजन अ हॉरिजेंटल लाइन एक्स वाई कॉल्ड टाई लाइन, राइट। तो हमें अगर कंपोजिशन टू फेज डायग्राम में जानना है तो जो टाई लाइन है एक्स और वाई जो यहाँ पर दी गई है टाई लाइन है, तो उसके आधार पर हम वो क्या है उसकी लाइन है वर्टिकल उसे हम ड्रॉ कर कितने कंपोजिशन है वो जान सकते हैं, राइट। इज ड्रॉ एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन is CI and CS are taken the composition of liquid and solid respectively, right। तो यहाँ पर सिंपल है कि जो यहाँ पर लिक्विडस लाइन है और यहाँ पर सॉलिडस लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन की है, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो लिक्विडस का क्या मिलेगा परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज मिलेगा, यहाँ पर सॉलिड साइड है ये सॉलिड लाइन है तो सॉलिडस का ये लिक्विड लाइन है, तो लिक्विड का हमें परसेंटेज हो टू फेज डायग्राम में द टाई लाइन के आधार पर हमें मिल जाएगा। उसके बाद परसेंटेज वो किस तरह से फाइंड आउट की जाते हैं, राइट, या हमें मिल जाएंगे, तो वो फॉर्मूला है वो लीवर रूल है, वो लीवर रूल जान ले। टाई लाइन के बारे में समझ लिया कि टाई लाइन जो है कंपोजिशन है टू फेज डायग्राम में, वो कंपोजिशन लिक्विडस और सॉलिडस लाइन पर कितने हो गए वो जानने के लिए हमें टाई लाइन का यूज होता है, और वो परसेंटेज कंपोजिशन है वो फ्रैक्शन है वो दिखाने के लिए जो लीवर है जो साइंटिस्ट है उसका जो रूल है तो उसको हम कहते हैं लीवर रूल। तो लीवर रूल के आधार पर हम जान सकते हैं, तो ये भी गिब्स रूल की तरह इम्पोर्टेंट मटेरियल साइंस में रूल है जिसे हम लीवर रूल कहते हैं, राइट। तो लीवर रूल कैसे यूज़ करते हैं हम बाइनरी डायग्राम में वो देखते हैं। द रिलेटिव फ्रैक्शन ऑफ द फेज इज एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर एन एलॉय कंपोजिशन CO मीन्स के यहाँ पर मिडल पे दिया गया है CO इज ऑप्टेन बाय लीवर रूल। तो एवरेज कितने परसेंटेज हो गए वो हमें CO के आधार पर लीवर जो लाइन है उसके आधार पर मिल जाएंगे। दिस रूल गिव द फ्रैक्शन ऑफ फेज बाय द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टाई लाइन बिटवीन। वो क्या कहेगा फ्रैक्शन है जो लेंथ है टाई लाइन की कौन से दो के बीच बिटवीन CO एंड कंपोजिशन ऑफ अदर फेज टू द टोटल लेंथ ऑफ टाई लाइन, राइट। तो जो टोटल लेंथ ऑफ टाई लाइन है उसके आधार पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो CO है जो फ्रैक्शन है वो कितने फ्रैक्शन फेज में रहेंगे कंपोजिशन के वो हमें यहाँ पर दिखाई जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इज FS गिवन। तो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर बीच में जो M है तो M X मीन्स कि ये जो इतना डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय जो उसके बाद का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है और सॉरी उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है इतने उसके बाद टोटल डिस्टेंस है ये, तो उसका रेशियो हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जो फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड है सॉलिड में कितना फ्रैक्शन है कितने कंपोजिशन है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन है वो एम वाली मिडल पे तो उसका जो कंपोजिशन उसे हम क्या कहते हैं CO कहते हैं, राइट। उसे क्या कहते हैं CO माइनस इतना ही पोर्शन है तो यहाँ पर क्या है CI है यहाँ पर CO है और यहाँ पर CI है तो CO माइनस मीन्स कि इतना माइनस इतना यहाँ से ये माइनस हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इतना मिल जाएगा उसके डिवाइडेड बाय CS मीन्स कि इतना माइनस इतना तो ये मिल जाएगा। तो ये किया है तो उसके आधार पर हमें फ्रैक्शन है वो क्या है लिक्विड का फ्रैक्शन है वो मिल जाएगा सेम सॉरी सॉलिड का फ्रैक्शन मिल जाएगा सेम। अगर हमें लिक्विड का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे इतना पोर्शन लेंगे सॉलिड का बा और उसके डिवाइडेड बाय पूरा पोर्शन कर देंगे तो राइट। तो यहाँ पर यही दिया गया है CS माइनस CO डिवाइडेड बाय CS माइनस CI तो हमें फ्रिक्शन है वो लिक्विड का मिल जाएगा। सॉलिड का चाहिए तो लिक्विड को हम पॉइंट आउट करके डिवाइडेड बाय फुल करेंगे टोटल टाई लाइन का परसेंटेज तो हमें क्या मिल जाएगा डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, राइट। तो इस तरह से लीवर रूल से हम कंपोजिशन है वो लिक्विड और सॉलिड का फेज में वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कूलिंग का।
ये जो कूलिंग कप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें मालूम है कि पहले जो कोई भी एलॉय है वो सॉलिड होगा, उसके हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, बाद में यहाँ पर लेटेंट हीट है वो हीट रिमूव करेंगे और उसका जो नेचुरल फेस है वो फेस आ जाएगा, राइट। ये लिक्विड है, तो यहाँ पर जो लिक्विड दिया गया है उसके बाद दोनों फेस है और सॉलिड हो जाएगा, राइट। तो कूलिंग को हम देख लेते हैं। अपॉन कूलिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द प्योर मैटर, टेम्परेचर ऑफ द प्योर मैटर ए एंड बी ड्रॉप्स कंटिन्यूसली टिल मेल्टिंग पॉइंट एट विच सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, राइट। तो जो क्या है कि हम कूलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होगा, डाउन होगा प्योर मेटल का, कहाँ तक कि जहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एट सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट, एंड सॉलिडिफिकेशन हैपन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पर दिया गया सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। पहले क्या होगा, टेम्परेचर डाउन 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 होगा, उसके बाद जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। यहाँ पर जो यहाँ पर पी क्यू लाइन बताई ना, सिर्फ लेटेंट हीट है वो ही रिमूव होगी, टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, सेंसिबल हीट नहीं होगी, सिर्फ लेटेंट हीट है वो ही बाहर निकलेगी और सॉलिडिफिकेशन हो उसका हो जाएगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। और जहाँ पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पी कितनी होगी, जीरो होगी, राइट। तो टेम्परेचर ड्रॉप अगेन कंप्लीशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन, और उसके बाद फिर से टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा, मीन्स के सेंसिबल हीट रिमूव होगी और उसका कूलिंग होकर एलॉय है या सॉलिड है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, यहाँ पर वन हो गए, फेज कितने हैं टू है, और टेम्परेचर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे तो हमें जीरो है वो जीरो मिल जाएगी, राइट। उसके बाद देख लेते हैं फॉर एन एलॉय 1, 2, 3 एक्सेट्रा टेम्परेचर ड्रॉप्स टिल द लिक्विड इज L1, L2, L3. However, in this case, solidification process proceed over a range of temperature as F is equal to 1, right? Once solidification completed at the solidus S1, S2, S2, the temperature is dropped. अगर जो हम बात करते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, यहाँ पर हम बात करते हैं, राइट, जो एलॉय 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो जीरो मिली थी वो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर जीरो नहीं मिली, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, वन होगी, क्योंकि अगर ये जो क्रॉस में है तो कंपोनेंट क्या होगा, दोनों होगा, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। तो अगर दो कंपोनेंट है तो यहाँ पर हमने बात की दो कंपोनेंट, मीन्स के जो गिब्स फेज रूल है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 के जगह पर 1, राइट। तो कंपोनेंट कितने हैं, दो, सॉलिड और लिक्विड, राइट, और लिक्विड एंड सॉलिड और वेपर फेज। उसके बाद फेज कितने हैं, दो प्लस 1, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगी, ओके। और उसके बाद भी क्या होगा, टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, राइट। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे, कूलिंग कर्व है वो देखेंगे। अब अगला जो हमारा लेक्चर है जो आयन कार्बन फेज डायग्राम है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो हम स्टील है, जो कास्ट आयन है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और उसके जो अलग अलग फेज है, उसके जो आयन है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में हम अपना आयन कार्बन डायग्राम डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल।